यह मीटिंग कोई विरोध की नहीं है, कार्यकर्ताओं के मन में दुख है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, उदयपुर की जनता का सम्मान करें। उदयपुर की जनता का जो उनकी भावना है उसका आदर करें। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जिस तरह से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं गलत निर्णय के कारण, उस पर पुनः चिंतन करें, मनन करें। और जिसने अपना जीवन संगठन को देने के लिए कृत संकल्पित रहा, उस कार्यकर्ता का भी अपमान आप करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। पुनः एक बार विचार किया जाए, और अगर विचार नहीं करेंगे, निर्णय पर अडिग रहेंगे, तो फिर कार्यकर्ताओं के उसके लिए सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कल सायंकाल तक देखते हैं, अगर पार्टी संगठन शीर्ष नेता तो अगर विचार करेगा तो बहुत अच्छा, नहीं करेगा तो फिर हमें भी मजबूरन होकर नया रास्ता अपनाने के लिए सोचना पड़ेगा। मेरा विरोध नहीं है, मेरा विरोध इस चीज़ का है कि काम करने वाले व्यक्ति को टिकट मिले। जिस व्यक्ति को टिकट मिला उसने भारतीय जनता पार्टी को रोड पे लाने के लिए काम कर किया। पिछले चुनाव में जब गुलाब चंद जी कटारिया चुनाव लड़े तब उस व्यक्ति ने विरोध का काम किया, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच पांच बार मीटिंगें करके विरोध करने का काम किया। और इतना विरोध होने के बाद भी अगर उस व्यक्ति को पारितोषिक मिले संगठन के अंदर, यह दुर्भाग्य है। इंटरफेयर कर रहा, जब आपको संगठन ने राज्यपाल बना दिया, संवैधानिक पद पर नियुक्त कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आकर गली गली मोहल्ले में आप घूम रहे हो 80 साल की उम्र में, ये अच्छी बात नहीं है। संगठन को आपने, संगठन ने आपको बहुत अच्छे पद पर विराजमान किया है, तो वहाँ की अच्छी हवा खाओ और आनंद करो। क्यों संगठन में इंटरफेयर करके दूषित करने का काम कर रहे हो? ये काम निर्दलीय चुनाव का अभी तक सोचा नहीं है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं गलत मार्ग पर जाऊं, उसके पहले मेरा शीर्ष नेता तो मेरे बारे में पुनः विचार। मैंने कहा ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अभी तक हूं, मैंने पार्टी छोड़ी नहीं है, मैं उपमहापौर हूं। संगठन को आगे ले जाने के लिए मैंने मेरे 45 साल से अधिक जीवन दिया है, मैं क्यों चाहूँगा कि मेरी पार्टी में छोड़ूं? लेकिन हाँ, पार्टी अगर निर्णय कार्यकर्ताओं को मानने का करेगा, पार्टी की सर्वोच्च कार्यकर्ताओं को मानती है, अगर ऐसा निर्णय करेगा तो फिर कार्यकर्ता भी घर पर बैठकर अपने मित्रों के साथ में निर्णय करेगा। आपने महाराणा प्रताप की बात करी, स्वाभिमान बढ़ा या पार्टी का निर्णय बढ़ा? स्वाभिमान बढ़ा और पार्टी का निर्णय भी बढ़ा, लेकिन निर्णय से भी बड़ा स्वाभिमान। हम झुक नहीं सकते जीवन के अंदर स्वाभिमान के आगे, और मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, स्वाभिमान के साथ जिए हैं और स्वाभिमान के साथ ही मरेंगे। मेरी वजह से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे चैम्बर के व्यापारी को कोई संकट का सामना करना पड़े, लेकिन हाँ, मेरा व्यापारी मेरे साथ है, सत्य का साथ देने में वो विश्वास करता है, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद।